रोटी भी रखी हुई है, रात को यार टमाटर भी लेके आ गए थे दोस्तों, थोड़े से रैबिट को देता हूँ टमाटर, यार क्या करूँ, कम अज़ कम हमारे रैबिट ही मज़ा कर लेंगे। चलिए चलते हैं ऊपर। और दोस्तों सबसे पहले यार कल रात में जो ईगल देखी रखी थी ना मैंने, उस पर नज़र मारेंगे। यार रात को हमने ईगल को दोस्तों इधर ही बिठाया था शायद, नहीं वो तो नहीं है, कहाँ गई भाई, वहाँ पर भी नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रही, हालांकि रात को मैंने यहाँ बिठाया हुआ था, वहाँ से फिर वहाँ चली गई थी, नीचे तो नहीं है। अरे प्लास्टिक दोस्तों रोज़ ही नीचे गिरा होता है यार, मुझे तो कुछ कुछ दोस्तों यही शक हो रहा है कि यही वाली चील है, मगर यार अभी पता चलेगा ऐसे ऐसे उड़ेगी यार ये, क्योंकि ये भी देखिए उड़ नहीं पा रही है मेरे ख्याल है। लेकिन यार उस चील पे दोस्तों हैरत हो रही है, ये हमारा रैबिट खाएगा थोड़ी सी रोटी छोटी, ताकि थोड़ी ताकत वाकत बनेगी भाई इसकी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो कल रात दोस्तों जैसे कि आपको पता है भाई मेरे साथ जो ईगल के मामलात हुए थे ना, मतलब ईगल जो हमारा बीमार होकर दोस्तों हमारे घर में बैठ गया था, तो यार वो ईगल दोस्तों अभी मैं बाहर आया हूँ और मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया, समझ नहीं आया कि रात में ऐसा कहाँ भागा है जो मुझे नज़र नहीं आ रही है। यार अभी एक ईगल दोस्तों देखिए मुसलसल मेरे सामने बैठी हुई है, मगर समझ नहीं आ रहा है कि ये वही ईगल है या कोई और है, क्योंकि यार कोई पहचान तो दोस्तों हमने लगाई नहीं थी, लेकिन शक्ल से भाई सभी दोस्तों एक जैसी लगती है, मगर भाई मुझे ऐसा लग रहा है 150% ऐसा लगता है कि शायद भाई ये वही वाली ईगल है। और यहाँ देखें दोस्तों मैंने रैबिट के लिए रोटी रखी थी, वैसे रोटियाँ बत्तख खाती नहीं हमारी, और अभी देखें बत्तख के मज़े देखें आप, रोटियों के मज़े ले रही हैं, ज़रा चेक करें आप। और वैसे रोटी रखी है ना दोस्तों ज़्यादा होती है तो ये खाती नहीं है, अभी रैबिट की खुराक भी इन्होंने पूरी कर दी है, देखें तरह इनके काम चेक कर रहे हैं आप। अब ये टमाटर यहाँ से हटा दो, ये बजरा टमाटर की भी ये लोग ना ख़राबा मचा दें। चलें जी ये आ गई हमारे रैबिट की खुराक, मतलब आज दोस्तों इनका टमाटर का दिन है, और यहाँ पर हमारे बच्चों के हमारे रैबिट के बच्चे भी देख लेते हैं भाई, चलो भाई रहो लो रैबिट ये खाओ इन्जॉय करो चलो। और भाई तुम्हारे प्यारे प्यारे से बच्चे कहाँ गायब हैं वो नज़र नहीं आ रहे, ये हंडिया में कहीं रखे हुए हैं, यहाँ भी नहीं है यार, वो भाई कहाँ रखे हुए हैं, देखे दो ये आप चेक करें, आराम से अंदर बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल में दोस्तों चलने फिरने भी लगे हैं, अभी तो खैर दूध वूध पी के फीड वीड करके भाई एक कोने पर जाके बैठे हुए हैं, लेकिन भाई अलहमदिल्ला दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चलन फिरन भी इनकी हो चुकी है, इनके ना मतलब बाल छाल बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भाई ये ग्रो कर रहे हैं अपना। और टमाटर देख के हमारे रैबिट के मजे देखें जरा आप, ये देखिए 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 बाहर आ रहा है बाहर आ रहा है बाहर आ रहा है, देख रहे आप। अभी अगर दोस्तों यहाँ पे अबू बकर जरा भाई फौरन के फौरन दोस्तों दोनों बच्चों को बाहर नहीं निकाल लेता वो तो भाई, और माशाल्लाह देखें करीब से चले जी, फिलहाल करते हैं इनका केज बंद और मुर्गियों की तरफ चलते हैं भाई, मुर्गियों को देखते हैं अंडा शंडा दिया या नहीं दिया। चले जी मुर्गियों को खोलने की बारी आ गई है भाई, क्योंकि इनकी खुराक तैयार हो गई है, और यहाँ पे दोस्तों देखें भाई आज हमारी मुर्गियों ने दोस्तों 3 अंडे दिए हैं, 1, 2 और ये हो गया 3रा अंडा। तीन मुर्गियाँ दोस्तों हमारी रेगुलर अंडे देती हैं, और एक जो मुर्गी ना वो कभी कभी देती है। आज दोस्तों हमारा गब्बर भाई मुझे कुछ सुस्त सुस्त नज़र आ रहा है, तो भाई क्या हो गया गब्बर? तो गब्बर को फिलहाल यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर ना केज के अंदर मिट्टी में बंद कर देता हूँ, ताकि ये खेलता रहता है वहाँ पर वो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ भाई थोड़ा बेचैन था, और यहाँ पे दोस्तों आप ज़रा प्लास्टिक के होने के बाद ना चिड़ियों के काम चेक करें ज़रा, ये देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा गंदगी मचाई हुई है। अभी मैं चार प्लास्टिक सोच रहा हूँ दोस्तों खोल ही देता हूँ, क्योंकि प्लास्टिक खोलूँगा ना तो फिर सही रहेगा, क्योंकि बारिश का तो भाई कोई इम्कान नहीं है, प्लास्टिक खोल देते हैं हम लोग पहले।
ये प्लास्टिक यार काफी ज्यादा दोस्तों गंदा भी हो रहा है, और इसके नीचे जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यार, चियाओं ने बहुत ज्यादा खराबा मचाया हुआ है। तो भाई इसको पूरा काट लेते हैं ना, मतलब इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बारिश बारिश भी नहीं आ रही है। समेट लो, वहाँ ले जाओ ऊपर तरफ को, समेट लो समेट लो। इसको पकड़ो तुम, हाँ यार ये जितना भी दोस्तों सब गंदगी की है ना, ये इस थर्मोपॉल ने की है अंदर से ना, क्योंकि चिया मेरे ख्याल में इसके अंदर जाके बैठ जाती है और यहीं पर ही खराब मजा है। आराम से खड़े हो, हाँ लम्बे डाल लूंगा। पहले इसको डंडी को डालते नहीं, डंडी बड़ी जगह खेल ली ना जाने क्यों यार, ये इतना सुस्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे कभी भी नहीं बैठता इस टाइम पे आके, ये मेरे साफ साथ ही होता है मतलब उस तरफ के साइड पर, लेकिन आज यार ये कुछ मतलब तनहा तनहा सा घूम रहा है। ओ भाई क्या हुआ है गब्बा, आज कुछ गर्मी वर्मी लग गई है मेरे ख्याल में भाई। और यहाँ पे यार पिजन्स के बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बहुत अच्छे से ग्रो श्रो कर रहा है। अब तो यार पिजन्स का बच्चा भी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा देखें हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा बाल छाल आ गए भाई इस पर भी अपना। और बाहर का काम फिलहाल अभी चल रहा है यार, इसको सफाई वफाई यहाँ से हो जाएगी ना तो अच्छा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और इसको देखें ज़रा बिला वजह यार हमारे गब्बर को मारे जा रहा है। ओ भाई क्यों मार रही हो हमारे गब्बर को तुम, क्यों लड़ाई कर रही हो। सो फाइनली दोस्तों भाई काफ़ी हद तक दोस्तों हमने अपने मिनी जू की भाई पूरी सफाई सफाई कर ली है, मतलब यार यहाँ पे जो दोस्तों पर्दा लगा हुआ था ना पूरा हमने हटा के अच्छी तरह से दोस्तों इस जगह को पूरा हमने फ्रेश कर दिया, मतलब पूरी तरह धुल के साफ हो गई है यार। और यहाँ पे जितना भी दोस्तों ख़राब कचरा पड़ा हुआ था ना वो हमने सारा फेंक दिया है। अब हमारे दोस्तों मिनी जू में माशाल्लाह माशाल्लाह और भी ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट पे दोस्तों हमारा भी स्विमिंग पूल भी भर रहा है। और यहाँ पे यार आज मेरे दोस्तों बार बार मेरी नज़र पड़ रही है हमारे गब्बर पे, यार हमारा गब्बर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुझे आज ना सुस्ता नज़र आ रहा है, ना जाने ऐसा क्यों कर रहा है, मगर यार मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों इसको ना बुखार उखार हुआ है या तो फिर गर्मी से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गर्मी होती है। और हमारा गब्बर दोस्तों मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे ना कोने पे दरवाजे के पास जगह बैठा होता है, हालांकि कितनी जगह पड़ी होती है साफ, मगर इसको भाई जगह यही वाली दरवाजे के पास मिलती है, यहाँ पे हवा भी लगती रहती है और ऊपर से धूप भी बड़ी तेज़ आती है। तो मुझे लग रहा है यार गब्बर को आज बुखार उखार हुआ हुआ है, अब इसके हल के लिए मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और हमारा जो एल्बाइनो का दोस्तों पेयर है ना माशाल्लाह भाई ये भी बॉक्स के अंदर बहुत तेज़ी से जा रहा है और आ रहा है, मैं इसको दो तीन बार दोस्तों नोट कर चुका हूँ कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों भाई बॉक्स के अंदर जा रहा है। अब भाई जल्दी जल्दी दोस्तों ये भी एगलिंग शुरू कर देना तो भाई क्या ही बात हो जाएगी। तो भाई जब तक पानी भर रहा है दोस्तों, फिर इसके बाद हमें ये वाले पोर्शन के अपने बर्ड्स वाले पोर्शन की थोड़ी सफाई करनी है, फिर हमारा जो मिनी जू है फिर से भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि यार अपने मिनी जू की बहुत अच्छे से सफाई करनी है, तो यार बाहर वाली तो पोर्शन की दोस्तों सफाई काफ़ी दिन से हो ही नहीं पा रही थी, आज माशाल्लाह दोस्तों भाई अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी सफाई भी हो गई है। अब दोस्तों इस जगह पे हमें काफ़ी काम कराना है, मतलब फ्लावर से काम तो दोस्तों हमारा मुसलसल जैसे कि आपको पता है भाई चलता ही रहता है, अभी थोड़ा सा और काम है दोस्तों वो भी हम करा लेंगे ना, तो हमारे ये वाले पोर्शन में भी पैट्स वाले पोर्शन में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मतलब खूबसूरती आ जाएगी। तो दोस्तों फिर ब्लॉग को अपने यहीं पर ही एंड कर देता हूँ, उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ब्लॉग पसंद आया ब्लॉग को लाइक कर लें, हमारे चैनल चीज फॉर गोट इन्फॉर्मेशन को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो नए देखने वाले दोस्त हैं यार वो तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वरना ये बॉल देखिए ना ये बॉल से ही फिर मैं फेंकूंगा बोलूँगा भाई फटाफट सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।